हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा पेशाब पीला होने के कौन कौन से कारण हैं और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। पेशाब पीला होने के बहुत सारा कारण होते हैं, कुछ होता है नॉर्मल और कुछ होता है बीमारियों के कारण। तो चलिए मैं एक एक करके आपको समझाता हूँ। सबसे पहला है, अगर आप कोई भी विटामिन बी का दवा खा रहे हैं तो इसकी वजह से आपका पेशाब जो है वो पीला होगा। ये नेचुरल है, इसमें कोई भी घबराने वाला बात नहीं है। तो अगर आप कोई भी दवा खा रहे हैं जिसमें विटामिन बी है तो 100% आपका पेशाब जो है वो पीला होगा। पेशाब पीला होने का दूसरा कारण है पानी कम पीना। अगर आप पानी कम पीते हैं तो इसकी वजह से पेशाब जो है वो पीला होता है। पानी कम पीने की वजह से किडनी जो है वो अच्छे से गंदगी को साफ नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पेशाब पीला होने लगता है। UTI इन्फेक्शन में भी पेशाब पीला होता है। तो अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है तो उसके कारण भी आपको पेशाब जो है पीला हो सकता है। इसके अलावा कुछ दवाइयों के कारण भी पेशाब पीला होता है, जैसे कि डायबिटीज़ का कुछ दवा होते हैं, इसके अलावा BP का कुछ दवा होता है, जिसको खाने की वजह से भी पेशाब जो है वो पीला होता है। तो अगर आप कोई दवा खा रहे हैं उसके बाद अगर पेशाब पीला हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि दवा के कारण हो रहा है। इसका सलूशन क्या है? अगर आपका पेशाब पीला हो रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हर दिन कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। नारियल पानी आप पी सकते हैं। अगर आपको नारियल पानी अगर आपके आसपास है तो आप नारियल पानी पी सकते हैं। वैसे हर किसी का बजट नहीं होता है कि हर दिन नारियल पानी पिए, तो इसलिए सबसे बेस्ट है ये कि आप नॉर्मल पानी जो है उसको 4 से 5 लीटर हर दिन जरूर पिए। नींबू का रस आप पी सकते हैं, नींबू का शरबत आप बनाइए उसको पीजिए। और इसके अलावा अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है, ये सब घरेलू उपाय से भी नहीं ठीक हो रहा है, तो फिर आप अपना ट्रीटमेंट करवाइए, आपको कुछ मेडिसिन खाना पड़ सकता है। वैसे 90% केसेस में घरेलू उपाय से ही पेशाब अगर पीला हो रहा है तो वो ठीक हो जाता है, अगर कोई बड़ा दिक्कत नहीं होता है तो। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके और भी वीडियो देख सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।